नमस्कार दोस्तों, री हिंदी ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट कैसे करते हैं जिससे कि वह सर्च रिजल्ट में शो हो। यदि उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल री हिंदी ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन पर भी क्लिक जरूर करें। तो आज न्यू ईयर का दिन है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लॉगर ब्लॉग में कस्टम टेम्पलेट ऐड कैसे करते हैं। यदि आपने अभी तक अपने ब्लॉग में कस्टम टेम्पलेट ऐड नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ब्लॉग में एक कस्टम टेम्पलेट ऐड करें। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, और आज इस वीडियो में अपने ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में सबमिट कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आपका ब्लॉग गूगल वेब मास्टर में सबमिट नहीं है तो आपका ब्लॉग सर्च रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा और न ही आपकी पोस्ट गूगल में शो होगी। गूगल में ब्लॉग और पोस्ट को शो कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को सबमिट करें। यदि हम अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करते हैं तो हमारे ब्लॉग में ऑर्गेनिक ट्राफिक नहीं आएंगी। ऑर्गेनिक ट्राफिक से मतलब गूगल सर्च से आने वाली ट्रैफिक है। तो अब आप जान गए होंगे कि अपने ब्लॉग और वेबसाइट को सर्च इंजन में सबमिट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और अपने ब्लॉग को गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करते हैं। अपने ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र को ओपन करें। तो मैं यहाँ एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं, और यहां पे सबसे पहले हम टाइप कर देते हैं blogger.com और इसको एंटर करके इसे ओपन कर लेते हैं। अब हम यहां से व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं और अपने ब्लॉग को व्यू कर लेते हैं एक बार। और यहीं से हम, आप देख सकते हैं यह हमारा ब्लॉग है, और इसे हम इसकी जो लिंक है URL या फिर ब्लॉग एड्रेस इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यह हो गया कॉपी, इसे कर देते हैं हम कट। अब यहां से हम न्यू टैब ओपन करना होगा। न्यू टैब में सबसे पहले google.com ओपन करें। तो यहां पे google.com ओपन हो चुका है, और यहां पे हम लिख देते हैं गूगल सर्च कंसोल। आपको गूगल सर्च कंसोल गूगल पे टाइप करना है और एंटर पर क्लिक कर देना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल। आप या तो यहाँ पे क्लिक करें या फिर गूगल वेब मास्टर www.google.com/वेब मास्टर वाली साइट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे गूगल वेब मास्टर की जो वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें साइन इन करना होगा, तो इस पर क्लिक कर देते हैं और अपनी जो ईमेल आईडी है वो डायरेक्ट लॉगिन हो चुका है गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट का URL या फिर ब्लॉग एड्रेस को पेस्ट करना है। तो मैंने उधर से जो कॉपी करके लाया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यह हमारा हो चुका है पेस्ट हमारा ब्लॉग एड्रेस। उसके बाद हमें करना है एड प्रॉपर्टी पर क्लिक, तो इस पर कर देते हैं क्लिक। ओनरशिप ऑटो वेरीफाई, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यह ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है, क्योंकि इसे अलग से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यह वेबसाइट उसी ईमेल एड्रेस में बनी हुई है जिसमें गूगल वेब मास्टर टूल बना हुआ है। तो हम यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी जो डायरेक्टली वह वेरीफाई हो गई है तो वह आती जाती रहती है गूगल पे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप घबराएं ना। तो मैं सबसे पहले आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं जिससे आपकी अच्छे से वेरीफाई हो जाएगी। आपको यहां पे मेनू पर क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है।
तो हम अपनी वेबसाइट को दो टाइप से जो है वेरीफाई करेंगे। तो हमें ओनरशिप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे HTML टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यह एक वेरिफिकेशन कोड दिखेगा, आप को इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी। और अब आपको आना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद थीम पर क्लिक करें। थीम पर क्लिक करने के बाद एडिट HTML पर क्लिक करें और अपने एडिट HTML बॉक्स को ओपन करें। अब आप यहां पे देख सकते हैं HTML बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां से हम अपने थीम को एडिट कर सकते हैं। तो आप बॉक्स में कहीं पर भी क्लिक करें HTML बॉक्स में और यहां पे कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करें। यहाँ एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको टाइप करना है हेड। तो आप देख सकते हैं हेड टाइप हो चुका है और करना है एंटर। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो हेड है उसमें क्लिक करना है और उसके एंटर करके एक लाइन ले आना है यहाँ पे एक स्पेस, और यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी करके लाए थे यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। यह पेस्ट हो चुका है और उसके बाद इसे कर देते हैं हम कट और सेव थीम कर देते हैं। तो हमारा थीम जो है अभी सेव हो जाएगा। तो हमारा थीम सेव हो चुका है। अब हमें जाना है फिर से उस टैब में जिसमें ओनरशिप वेरिफिकेशन का पेज ओपन है। तो यहाँ पे इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं और वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाइंग प्रोसेस चालू हो गई है और वेरीफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हमारा HTML टैग से भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस टाइप से आप भी अपने ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल में शो करा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जब आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे सर्च कंसोल में उसके 6 से 8 या 12 घंटे लग सकते हैं गूगल में शो होने में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 6 घंटे या 12 घंटे, इतनी देर में आपका ब्लॉग गूगल में शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।